मेरा दिल कर रहा मैं इतना रोऊं, बस रोती रहूं रोती रहूं रोती रहूं, पता नहीं क्यों। आप ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल हूँ ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। ये जो कैमरा हिला रहा है ये सुफियान ने मुझे मारा है, ये देखो सुफियान, सुफियान, ये सुफियान ने ना बुरी बात है, मम्मा को ऐसे नहीं करते। अच्छा चलो हाय कर दो। हाय, हाय, कैसे हो? ठीक है आप लोग? सुफियान को भी मैं ऐसे ऐसा सिखा रही हूँ और मेरे डेली व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही हो आप, तो मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि मेरे पास, मैं एक सेकंड से फैन को सेट पे, तो मुझसे सबने पूछा कि आपके डेली व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हो आप, ना आप डालें, तो मैं डेली व्लॉग इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अभी रमज़ान आने वाले हैं और मेरे पास बहुत सारा काम है और मेरे मियाँ ने धोखा क्यों दिया है वो भी रमज़ान के ही, मतलब रमज़ान से ही कनेक्ट है, क्यों उन्होंने धोखा दिया तो वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने धोखा इसलिए दिया है, हम लोग ने प्लान किया था कि 25 को हम पूरे घर की क्लीनिंग करेंगे, जैसे कि मैं ना थोड़ा सा इस घर में ना छोटे छोटे कॉकरोच हो जाते हैं, तो अपार्टमेंट है नीचे ग्राउंड का है, तो आप लोगों को पता है ग्राउंड में ज़्यादातर अपार्टमेंट में सबको ही पता होता है कि कॉकरोच बहुत ज़्यादा होते हैं बाहर, और ना और ज़्यादातर जो चूहे जो होते हैं वो भी होते हैं, चूहे कहेंगे ना रेड, चलो इंग्लिश में कह देते हैं, खैर इंग्लिश क्यों कहें उर्दू ही कह लेते हैं। तो मैं ये बताना चाहती थी कि हमने करनी है सफाई, तो सफाई में मेरे हस्बैंड ने मुझे ये जो पिक्चर नज़र आ रही है पीछे मुझे दे दिया धोखा, क्योंकि धोखा ऐसे दिया है उनकी हो गई है तबीयत ख़राब, कल वो इतनी दूर गए थे ड्राइव करते हुए, तो वहाँ पर बाइक पर चले गए अपने फ्रेंड के साथ, मुझे भी नहीं बताया, तो वहाँ गए तो वहाँ पर मतलब जाते हुए उनको लग गई है कोई ठंड वंड, तो उसकी वजह से उनके चेस्ट में और पूरे बैक में और उनके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो इसलिए अब वो काम नहीं कर सकते, तो जब काम नहीं कर सकते और गर्मी आ गई है अब तो मैं कब, तो वैसे भी मैं बहुत कम आया करूँगी कैमरे में, जब आया करूँगी जब आप लोगों के कमेंट्स लाइक और सब्सक्राइब अच्छे आएंगे मेरे पास। वैसे मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, ये है शेयर करना चाहती कि मेरे जो जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा और हम ये छोटे छोटे यूट्यूबर्स जो हैं एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करें ताकि हम लोग ऊपर जा सकें, हम लोग भी ऊपर ऊपर सबसे ऊपर, तो हम लोग भी ऊपर जा सकें और आपको कामयाब बना सकें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो जो मेहनत कर रहे हैं वो कामयाब हो रहा है यूट्यूब पर, तो हम भी मेहनत करेंगे, हम भी करेंगे क्योंकि हम लोग डेली नहीं डालते वीडियोस, कभी कभार डालते हैं और कोशिश करते हैं अच्छी डालने की, अच्छा कंटेंट लाने की, तो अब ज़्यादातर कंटेंट चल रहा है रमज़ान का, तो रमज़ान में ही तो रमज़ान की रूटीन इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि हम लोग कैसे गुजारते हैं, और मुझे रमज़ान में ईद के बाद मुझे नहीं, वैसे ईद से पहले भी होती है क्लीनिंग घर की और रमज़ान से पहले भी होती है, और अभी मैंने कोई राशन भी नहीं डाला, जैसे ग्रॉसरी की भी मैंने अभी शॉपिंग नहीं करी, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। खैर मैं नहीं करने जाती, मेरे हस्बैंड अच्छे ही करते हैं तो वो करने जाते हैं शॉपिंग, तो वो मुझे कभी कभार ले जाते हैं, तो इंशाल्लाह हो सकता है मैं भी जा सकूँ तो मैं आप लोगों से व्लॉग उसका भी शेयर करूँगी, और सुफियान सफ़ा क्या करे वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सफ़ा मेरे बचपन का टॉय लेके बैठी हुई है, सफ़ा मेरे बचपन का टॉय लेके बैठी हुई है और सुफियान मेरे, तो मैंने ना फ़ैन ऑफ कर दिया था ताकि मुझसे, मुझे ना आपसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आवाज़ ना आए ना, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें अपनी अपग्रेड करनी है यूट्यूब की वजह से, आप लोगों की वजह से, तो आप लोगों की जितना मुझसे मेहनत होती रहेगी, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, ऐसे लाइक कमेंट करते रहिएगा, तो मेरा बस आज का थोड़ा सा बनाने का यही था व्लॉग कि मैं अभी आज जो है मुझे धोखा हस्बैंड से मिला कि वो हो गए बीमार और मैं अभी घर की क्लीनिंग नहीं कर सकती 25 को, तो अब हम कम क्लीनिंग करेंगे घर की, वो भी मैं आप लोग से शेयर करूँगी कि क्योंकि ना बहुत ज़्यादा जैसे मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी है, फजूल की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब फेंकनी है, और ऐसे किचन में ज़्यादा मुझे फोकस है कि किचन का मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, जैसे मेरा चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है मुझे उसको भी साफ़ करना है, मुझे किसी ने बताया है बेकिंग सोडा से करो ये करो वो करो, मैं सारे नेट पे हैक भी देखे मैंने कैसे करना है, तो वो भी मैं उसको क्लीन करूँगी, टाइम नहीं मिलता इसलिए नहीं कर पाती, बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं, तो वो भी मैं कर लूँगी,
और मुझे क्या करना है, और हाँ बाकी कवर सबर साफ़ करने हैं, और जो जो चीज़ें मुझे जैसे रखनी है वो भी सफ़ा मुझे तंग करने आ गई हैं, तो इसलिए बस यही होता है मेरा साथ, तो सफ़ा को आ रहे हैं पसीने। हाय कर दो, हाय हाय कर दो सफ़ा, हाय कर दो, हाय बाय नहीं हाय, अभी स्टार्ट हुआ है। तो फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। और तो अभी मैं क्या पका रही हूँ, अभी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल्स। तो हम लोग अभी गोश्त नहीं खा रहे हैं, कोई भी आप लोग भी नहीं खा रहे, गोश्त में आ रही है बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, तो इसलिए अवॉइड ही कर रहे हैं। लेकिन मैं रमज़ानों में कबाब बहुत शौक से खाती हूँ, तो चिकन के कबाब बनेंगे, वैसे चिकन के ही बनाती हूँ मैं, तो अब बीफ के कबाब नहीं बनेंगे, चिकन के बनेंगे, तो वो भी रेसिपी आप उसे शेयर करूँगी। मैं बहुत इजी बनाती हूँ, तो जैसे बनाती हूँ वो भी शेयर कर लूँगी, ठीक है। तो आप लोग के साथ रखे तो आप कनेक्ट रहेंगे हम, और आप लोग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए, सबके लिए, मेरी बेटी के लिए बहुत सारी दुआ करना, क्योंकि मेरी बेटी ने अभी जाना है। तो अभी हम खैर ये हम बताएंगे बाद में नेक्स्ट व्लॉग में कि क्या है, कैसा है, क्यों है। तो अभी कुछ ऐसा है कि बस आज मैंने अपने हस्बैंड के धोखे के बारे में बताना था कि मुझे अपने हस्बैंड से धोखा मिल चुका है, वो बीमार हो चुके हैं और वो मेरे साथ अब काम नहीं कर रहे। तो अब मैं काम अकेले नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे डस्टिंग जाले वाले सब कुछ निकालना है, तो उसकी वजह से मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प बहुत मस्ट और बहुत ज़रूरी चाहिए थी। तो मैं हेल्प वो मुझे नहीं कर रहे, तो अभी हम आगे, अब मेरा ये सीन है कि मैं सफाई करूँगी एक आध दिन में, तो वो शेयर कर लूँगी आप लोग के साथ। तो आज मैं क्या बना रही हूँ वो आप लोग के साथ पहले शेयर कर लेती हूँ, फिर मैं यहाँ फिर व्लॉग का एंड कर लूँगी। तो बस मुझे यही शेयर करना था। तो अब हम चलते हैं किचन में। यहाँ पर तो मैं आज बना रही हूँ, तो मैंने ये वेजिटेबल काट के रखी है, देखो ये काम है मेरे कैसे कैसे काम होते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी, और मैंने शायद इसकी आप लोगों के साथ मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ। और तो मैंने फहद के लिए बनाया है ये दलिया, तो मैं अभी इसमें डालूँगी तड़का, अच्छा सा तड़का डालेंगे, सुखा सफर प्याज फेंक देते हैं यहाँ पे सफाई मेरी। तो मैंने आप लोग को दिखाया कि आज मैं क्या बना रही हूँ, वेजिटेबल बना रही हूँ आज मैं, और फहद के लिए मैं दलिया बनाया है। तो सफा मुझे बहुत तंग करी है, आप लोगों से बात ही करने नहीं दे रही, तो मैं ऐसे आप लोगों से बातें करती रहूँगी। अगर आप लोगों को मुझे पता, अच्छे अच्छे व्लॉग चाहिए हैं, और मुझे अभी करनी है थोड़ी सी शॉपिंग भी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्या शॉपिंग है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो अभी मैं करती हूँ व्लॉग का एंड, मेरा व्लॉग यहीं तक का था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा क्यों दिया, थंबनेल पढ़ के लोग पागल हो जाते हैं, थंबनेल डालना चाहिए अच्छा, ताकि लोग आएँ और इन्जॉय करें मेरा व्लॉग। और जैसे ही मेरा व्लॉग इंजॉय करने लगेगा, तो मेरे फिर मैं इंशाल्लाह फहद के साथ भी अच्छे व्लॉग बनाऊंगी, अपने हस्बैंड के साथ, और अपनी वैसे सुफियान सफर के साथ तो बनाती रहती हूँ। और अब तो मेरा फेस वैसे भी रिवील हो चुका है आप लोगों के सामने, तो बस अब फेस रिवील का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ना कुछ आएगा, बस फाइनली कर दिया है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक कि मैं जल्दी से आ जाऊँ आप लोगों के सामने ना। पहले मैंने क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ में, और माशाल्लाह आप तो बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है मेरी जितनी भी फैमिली है यूट्यूब की, वो मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करेगी, और हम लोग बहुत ज़्यादा आगे इंशाल्लाह जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। और वैसे ही अगर आप लोगों ने सपोर्ट भी नहीं किया ना, मैं फिर भी बनाती रहूँगी व्लॉग, ये मेरा शौक अब पूरा हुआ है। मेरे हस्बैंड ने मुझे इजाज़त दी है, और वो कैसे इजाज़त दी आपकी सोच भी नहीं है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है मैं अपने हस्बैंड को राज़ी कर लूँ कि इस पर ब्लॉग वो मेरे साथ बना लें, कि उन्होंने मुझे इजाज़त कैसे दी है, और मैंने उनको कैसे बनाया था कि मुझे इजाज़त चाहिए, तो वो भी बनाऊँगी। और पहले ये भी बता दीजिए ज़रा, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? ये मेरा मेकअप मैंने खुद ने किया है यार, अभी कुछ भी नहीं करा हुआ। मैं आईब्रो वैसे बनाती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, और मैं फेस पे जो भी है वो इंशाल्लाह, आईब्रो वैसे हमारे इस्लाम में भी जायज़ है, तो इसलिए आईब्रो नहीं बनाती। आईब्रो जस्ट मैं इवेंट में बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं कि आप लोग अगर मेरी आगे कुछ आईब्रो बनी हुई दिखी तो आप लोग बोले नहीं, तो बोलते थे बनाती नहीं हूँ। तो आईब्रो में बहुत 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 इम्पॉर्टेंट जो होते हैं इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट आने ही वाला है मेरा इवेंट, वो भी आप लोग को पता चल जाएगा, वो भी शेयर करूँगी बहुत सारे। तो मेरे ब्लॉग जो आगे आने वाले हैं बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छे ज़्यादा कंटेंट के साथ, इंटरेस्ट के साथ, तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहेगा, ऐसे देखते रहिए।
गा मुझे फराफात को आपकी दुआ की तलबगार फराफात, और मेरे बच्चों की दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा। मेरी बातें इतनी सारी तो ऐसे मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते रहिएगा और इन्जॉय करते रहिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नए दिन के साथ, नए दिन के आगाज़ के साथ, और चलिए सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा चैनल मोनेटाइजिंग हो जाए। कब होगा कुछ नहीं पता, अभी बहुत टाइम है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के साथ एंजॉय करती रहूँगी। जल्दी से जो भी कर सकते हो करो मेरे लिए। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करो। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अब सुफियान सफ़ा करेंगे, अल्लाह हाफिज़, बाय। बोलो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय बाय। सफ़ा आप भी कर दो, मतलब लाइक करें, सफ़ा लाइक करें। तो सफ़ा नहीं बोल रही, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो आप लोग ने जो जो करना जल्दी से कर लो, जितनी जल्दी हो सकती है जितनी जल्दी से कर लो। मुझे